मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 cm। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मीन्स है एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 cm, और 4 cm की डिस्टेंस है। कैलकुलेट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, सो सॉल्यूशन गिवन है ई इज इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड डिस्टेंस आर गिवन है 4 cm, सो 4 × 10⁻²⁰ m। ओके, सो ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2πε₀ इंटू आर, बट वी नो डैट 1/4πε₀ इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ओके, सो इसको 4πε₀ करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सो 2λ ओवर, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4πε₀ इंटू आर इंटू 2, तो वैसे ही हमारा क्रिएट हो जाएगा 2λ/4πε₀ इंटू आर। ओके, सो ई इज इक्वल टू 2λ/4πε₀ इंटू आर, इसकी वैल्यू आपके 9 × 10⁹, ठीक है, क्रिएट हो जाएगी और अपॉन में बचेगा आपका आर। ठीक है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्रिएट हो गई। सो ई की वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁴ इज इक्वल टू 2 × λ वैल्यू, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है एंड 9 × 10⁹ ओवर आर। ठीक है, आर वैल्यू 4 × 10⁻²। इस प्रकार से 9 से 9 शॉर्ट। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 4 × 10⁻²× 10⁴ इज इक्वल टू 2λ × 10⁹। तो 4 इंटू सॉल्व करके 4 × 10⁻² ओवर 2 × 10⁹ हमें लैम्डा फाइंड करना है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, हेयर माइन प्लस 2 हेयर 9। इस प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू सॉल्व होकर 2 × 10⁻⁹ हो जाएगा और प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर, क्योंकि कूलम ये आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ओवर एल, तो कूलम पर मीटर। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, वंस अगेन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ई इज इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमें ई गिवन है और आर गिवन कर रखा है। ठीक है, हमें फिर हमें फाइंड करना है लैम्डा। लैम्डा मीन्स चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेशन होती है इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2πε₀ इंटू आर। ठीक है, फिर जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4πε₀ बन जाएगा, और 1/4πε₀ की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू ई वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, ई एंड आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, सो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे फिर कट हो जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कर लेंगे उसको। इस प्रकार से लैम्डा की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 2 × 10⁻₌ कूलम पर मीटर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूमेरिकल टू, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ चार्ज, सेंटर ऑफ अ चार्ज नहीं, सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर. ओके, डायग्राम रिप्रेजेंट है क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन है डायग्राम इस प्रकार से. एक क्यूब है और क्यूब में एक सरफेस को, ठीक है, ये सरफेस है उसको क्या कर रखा है, डार्क कर रखा है. ठीक है, जब एक सरफेस को डार्क कर रखा है तो उसका भी समझ जाएंगे हम कि हमें एक सरफेस से ही क्या करना है, इसमें फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. जैसे ही हमें फाइंड करना होता है कि इस फेसिस से फाइंड करना है, हम जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज अगर सेंटर पर रखा है, ठीक है, अगर हमें फेसिस से फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमें पता है कि जो फेसिस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 फेसिस होते हैं. ठीक है, क्यूब्स के जो फेसिस हैं वो कितने, 6 फेसिस हैं. तो 1/6 इंटू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू ऑफ क्यू गिवन कर रखी है. ठीक है, वैल्यू ऑफ क्यू 10 माइक्रो कूलम, और 10 माइक्रो कूलम में हम जानते हैं कि कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम में 10^-6, ठीक है, कूलम में कन्वर्ट हो गया है. ओवर एफ एन नॉट वैल्यू 8.85 इंटू 10^-12. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6, 2 5 10. ठीक है, तो 5 ओवर 3 5 15, 3 8 24, और 1 25, 3 8 24, और 2 26 इंटू 10^-6+12. सो 5/26.55 इंटू 10^6. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे इस टर्म्स को. जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, हेयर 1.88 इंटू 10^5. ओके, जैसे ही पॉइंट रिमूव करेंगे तो 00 इनक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो रेट हो जाएगा 1.88 इंटू 10^5. ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. थैंक यू.